हेलो एवरीवन, कल क्या हुआ था? द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका जो डायरेक्ट फार्मूला है, डेल टीबी मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अगर डायरेक्टली मोलालिटी से रिलेटेड है, वेट वगैरह अलग से दिया नहीं, मोलालिटी नहीं करना है। अब तीन टर्म्स है, एक डेल टीबी मतलब इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीबी माइनस टीबी जीरो। और ये केबी का मतलब मोलल इलेवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट, एंड दैट इज कांस्टेंट फॉर एवरी सॉल्वेंट, हर सॉल्वेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। और एम क्या है? वो सॉल्यूशन की मोलालिटी, इतने मोल्स डिसॉल्व करने के बाद इतनी मोलालिटी क्या रहेगी, वो रहेगी। तो डायरेक्ट अगर मोलालिटी, तीन टर्म्स है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एब्लोस्कोपी कांस्टेंट या मोलर इलेवेशन कांस्टेंट और मोलालिटी। तो ये फॉर्मूले का यूज करके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वेट वगैरह दिया है या वेट दिया है और उससे आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेट, मॉलिकुलर वेट। तो सिर्फ मोलालिटी की जगह पे जो फॉर्मूला है, मोलालिटी का वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। एम टू मतलब मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका आप मॉलिकुलर वेट निकाल दे, 1000 इसलिए वो वेट केजी में, ग्राम में था सॉल्वेंट का, तो केजी में, केबी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन इंटू डेल टीबी। तो आपको ये एम की जगह पे ये अनुकूल करना पड़ेगा। ये दो फॉर्मूले का यूज करके अभी आपको प्रॉब्लम लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम है, एक सॉल्व है और दूसरा सेकंड जो एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम मिलेंगे। तो दो में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज, मतलब कोई भी, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन आइदर मोलालिटी डायरेक्टली इज गिवन और वेट, द वे कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेट वगैरह अगर दिया है तो डायरेक्ट वाला ये फॉर्मूला, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, डायरेक्ट लिखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट इस तरह, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी दिया है। अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का वेट कितना है, 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ, इन कितने ग्राम में, 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, मतलब ये सॉल्वेंट है, इथाइल एसीटेट ईस्टर, 150 ग्राम मतलब होगा ये सॉल्वेंट का वेट है, ये सॉल्यूट के वेट, ये डब्ल्यू टू और ये डब्ल्यू वन, हो गया क्लियर। 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट बॉइल्स एट, वो सॉल्यूशन जब बॉइल, इतना डालने के बाद बॉइल्स एट कितने टेम्परेचर पे बॉइल्स हो, बॉइल्स एट मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइल्स एट 84.27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इतना सॉल्यूट इतने सॉल्वेंट में डालने के बाद इतना बॉइलिंग पॉइंट है, पहले कितना था, इथाइल एसीटेट मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, इतना सॉल्यूट डालने के बाद इतना हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टीबी और ये वैल्यू किसकी रहेगी, टीबी जीरो, मतलब डेल टीबी की वैल्यू मिल जाएगी टीबी माइनस टीबी जीरो, डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन और क्या चाहिए एम वन, या मतलब जो फॉर्मूले में केबी की वैल्यू, केबी की वैल्यू क्यों हो सकती है, क्या पूछे देखो, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ, मॉलिक्यूलर वेट निकालना, इफ केबी फॉर इथाइल एसीटेट इज, इफ केबी फॉर, केबी की वैल्यू क्यों नहीं, केबी फॉर इथाइल एसीटेट
इथाइल एसीटेट इज, इथाइल एसीटेट की केवी की जो वैल्यू है 2.77 यूनिट है केल्विन केजी पर मोल, ये यूनिट याद रखो केल्विन केजी पर मोल यूनिट रहता है कभी एग्जाम में। अब देखो केबी की वैल्यू गिवन है, जो फॉर्मूला में क्या 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 मेन जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है सीधा सीधा कौन सा है, डेल्टी मॉलिकुलर वेट निकालना है, डेल्टी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, डायरेक्ट मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू लिख दो, क्या है फॉर्मूला देखो, एम टू इज इक्वल टू क्या है 1000 into डब्ल्यू टू या डब्ल्यू वन, 1000 into डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन इंटू एम डेल टीबी, एम टू चला गया डेल टीबी, डेल टीबी पर इधर था तो 1000 into किट किट नहीं 1000 into यहाँ पे एक गलत है 1000 into केबी 1000 into W2 into KB divided by W1 into del TB, W1 into del TB। अब देखो यहाँ पे M2 की वैल्यू निकलना है, W2 की वैल्यू 50 ग्राम, KB की वैल्यू 2.77, W1 की वैल्यू गिवन है कितना सॉल्वेंट है 150 ग्राम और del TB, del TB डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो आप डेल टीबी निकाल सकते हैं, टीबी माइनस टीबी जीरो, तो इसमें जितने भी टर्म्स है पहले लिख दो क्या क्या है, एम टू तो निकालना है, डब्ल्यू टू कितना ग्राम है दैट इज 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देन डब्ल्यू वन की वैल्यू है 150 ग्राम सॉल्यूट का सॉल्वेंट का वेट, ओके, देन केबी की वैल्यू है वो भी गिवन है 2. कितना है 77 केल्विन केजी पर मोल। अब क्या बचा है, M2 निकालना है, M2 इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, M2 यानी W2 वगैरह W1 KB डेल TB, अब डायरेक्टली डेल TB की वैल्यू गिवन नहीं, डेल TB इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है TB माइनस TB जीरो, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, और TB की वैल्यू कितनी गिवन है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जो याद रखो जो ज्यादा होता है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, 84.27 माइनस और सॉल्वेंट का है 77.06, ये डिफरेंस देखो कितना था 7 माइनस 6 1 और 2 माइनस 0 2 14 माइनस 7 7 और यहाँ पे कैरी 1 8 8 माइनस 8 0 मतलब 7.21 केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो, यहाँ पे देखो डिफरेंस तो यहाँ अगर इसको केल्विन में करोगे डिग्री सेल्सियस का तो 273 यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब सेम ही हो जाएगा आंसर उतने का, तो केल्विन में जनरली स्टैंडर्ड जो यूनिट है केल्विन है तो केल्विन में ले सकते हैं, तो डेल टीबी वैल्यू कितनी होगी 7. डेल टीबी इज इक्वल टू 7.21 केल्विन। अब सभी जो वैल्यूज है आपके सामने ये वैल्यूज में पुट करो, एम टू इज इक्वल टू दैट इज 1000, डब्ल्यू टू की वैल्यू है 50, केबी की वैल्यू है 2.77 ये डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन की वैल्यू है 150 इंटू और डेल टी बी कितना है 7.21 करो सॉल्व कितना होगा, ये एक जीरो ये जीरो कैंसिल कर दो, आप ऐसे भी कर सकते फाइव वन जा फाइव फाइव थ्री जा 15, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है 3 है सिर्फ और यहाँ पे 1000 into 2.77 अगर 2.77 को 1000 से इंटू करोगे तो ये 3 डेसिमल पॉइंट आगे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2770 और नीचे 2.7.21 into 3 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लो कितना हो जाएगा 3 1 3 3 2 6.21 21.63 और अगर 2.2770 डिवाइडेड बाय 21.63 करोगे तो इसका जो आंसर आता है दैट इज दैट इक्वल टू 128 ग्राम। डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन करोगे या लॉग टेबल से भी यूज कर सकते हैं, इसका लॉग उसमें से इसका लॉग माइनस करो और जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग का फाइनल आंसर आता है
128 ग्राम पर मोल या 120 ग्राम, सीधा सीधा है वेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, वेट दिया है सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, केबी की वैल्यू गिवन है कांस्टेंट, और इसके बाद डेल टीबी की डायरेक्टली गिवन नहीं थी, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया था सोल्यूशन और सॉल्वेंट का, तो दोनों का डिफरेंस जो होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल टीबी। इस टाइप से आप कोई भी सोल्यूट का, कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते इफ, क्या गिवन था, इफ द वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सभी गिवन है तो। और इससे एक रिलेटेड एग्जाम एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम लिखने के बाद क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या दिया और क्या निकलना है। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड इज 50 ग्राम ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड, अ सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड, अ सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड, अ सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हैज बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एसिटिक एसिड कितना है 50 ग्राम, इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मतलब क्या, पहले क्लियर करो। देखो सॉल्यूशन है किसका, साइट्रिक एसिड का, किसमें 50 ग्राम एसिटिक एसिड में, मतलब 50 ग्राम किसका वेट है, सॉल्वेंट का, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा है एसिटिक एसिड और सोल्यूट कौन सा है साइट्रिक एसिड, तो इतने ग्राम एसिटिक एसिड में सॉल्यूशन है साइट्रिक एसिड, अ सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हैज बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, हैज बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, मतलब डायरेक्टली दिया है बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, मतलब किसकी वैल्यू डेल टीबी की, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ने दिया है बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, तो इतना डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कितना इलेवेट होता है, कितना बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन ऑफ 1.76 केल्विन, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा इतने सॉल्यूशन में, इतना सॉल्यूट डालने के बाद 1.7, इफ केबी फॉर, केबी दिए, इफ द केबी फॉर एसिटिक एसिड, केबी फॉर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की केबी की वैल्यू गिवन है, केबी फॉर एसिटिक एसिड इज 3.07, इज 3.07, केबी मतलब यूनिट केल्विन केजी पर मोल, इफ द केबी फॉर एसिटिक एसिड इज 3.07, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब स्मॉल एम की वैल्यू निकल रहा है। देखो अभी यहां पे ये वेट दिया है लेकिन कोई काम करने, पूछा क्या है डायरेक्ट एम की वैल्यू निकलना है, जो पहले वाला फार्मूला, यहाँ पे वेट मॉलिक्यूलर वेट ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको फार्मूला ये यूज करना पड़ेगा, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम हो गया, क्योंकि दोनों टर्म क्लियरली गिवन है। देखो केबी की वैल्यू भी दिए 3.07 और डेल टीबी की वैल्यू भी डायरेक्टली दिए, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1.76, तो सीधा सीधा ये दोनों की वैल्यू पुट कर दो और मोलैलिटी निकाल लो, तो डायरेक्ट प्रॉब्लम है। तो पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है, देखो फर्स्ट फार्मूला, अब ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि वेट मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सेपरेटली ऐसे दिया है, डायरेक्टली मोलैलिटी जब गिवन है या दोनों टर्म दिए इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी पूछा है, तो आपको वो फार्मूला यूज करने की जरूरत है, डायरेक्ट ये फार्मूला डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब क्या क्या दिया है देखो, डेल टीबी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1.76 केल्विन, दूसरी क्या दिया है केबी की वैल्यू गिवन है, केबी फॉर एसिटिक एसिड 3.07 केल्विन केजी पर मोल, अब निकालना है एम, एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सीधा वैल्यू पुट करना है, क्या हो जाएगा डेल टीबी की वैल्यू है 1.76 इज इक्वल टू केबी 3.07 इंटू एम, और therefore m is equal to small m is equal to क्या हो जाएगा 1.76 divided by 3.07 या
डेसिमल पॉइंट निकाल भी देंगे, ये दो डिजिट है ये जो डिजिट, तो सीधा 176 डिवाइडेड बाय 307, इससे आप मल्टीप्लाई करो, 176 को 307 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर आता है 0.5 आंसर आता है 0.573 मोलर, मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.537। तो सीधा फॉर्मूला था, अगर वेट या जैसे सॉल्वेंट का वेट दिया है, सॉल्यूट का वेट दिया है, तो आप डायरेक्टली फिर वही फॉर्मूला यूज करते, कौन सा नहीं, मोलैरिटी तो निकालना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बाकी जो डायरेक्टली ये केबी की वैल्यू डेल टीबी की, तो इस टाइप से मॉलिकुलर वेट हो या कभी कभी सोल्यूट का वेट पूछा, सॉल्वेंट का दिया है, सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट दिया है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया है, और सोल्यूट कितना सोल्यूट डिसॉल्व करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया। तो सोल्यूट का वेट कितना, मतलब डब्ल्यू टू की वैल्यू निकालना है, और जब डब्ल्यू टू की वैल्यू निकालोगे तो उसमें फार्मूला आपको 1000 इंटू क्या है, केबी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू एन इंटू एम टू, ये फार्मूला आपको यूज करके निकालना पड़ेगा, इस टाइप से कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये थे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब फर्स्ट जितनी प्रॉपर्टी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट रिलेटेड विद इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सभी जो प्रॉपर्टीज है, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल दे डिपेंड्स ऑन वन अनदर, एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये जो सभी इफेक्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, जब भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, उस सबके लिए एक ही रीजन है, बिकॉज द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, जब भी सोल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। तो देन सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, अब फर्स्ट वाली जो मतलब सेकंड और थर्ड जो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होना, तो ये जो प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट कम होना और इलेवेट होना बॉइलिंग पॉइंट, उसमें दोनों में थोड़ा सा समझ के करोगे तो ज्यादा डबल से पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा क्या याद रखना है, एक दो पॉइंट याद रखो उसमें, वही उसी टाइप से जैसे यहाँ पे सोल्यूट ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दैट इज डेल टी बी लिखा था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, अब यहां पे लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए स्मॉल एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो फिर से यहां पे स्टार्ट करेंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट जब भी सेम, जब भी कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप सॉल्वेंट में डालते हो तो सॉल्यूशन जब बनता है तब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जितना फ्रीजिंग पॉइंट है, सिंपल सा एक जनरल एग्जांपल आप सबको पता भी होगा, जो कश्मीर वगैरह के रास्ते पैक हो जाते हैं आइस से, ज्यादा ठंड टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो ये जो रास्ते साफ करने के लिए आइस निकालने के लिए उसमें नमक मतलब साल्ट छिड़का जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl डालते हैं, और NaCl डालने का मतलब है जैसे NaCl उसमें आइस में डालोगे तो मिक्स हो जाता है और सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होता है, वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वहां का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर क्या होगा, कौन से फॉर्म में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। अब आपको वहां पे अगर वो रस्ते से हटाना है, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब लिक्विड फॉर्म में से कन्वर्ट करोगे तो उसका वात टेम्परेचर 0 है, 0 पे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ नहीं सकता, इसलिए अगर उसमें साल्ट डाल देते तो साल्ट डालने से वो क्या बन गया, सोल्यूशन, और सोल्यूशन बनने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और कम होने का मतलब हो सकता -1 में चला गया, कम हो गया, 0 मतलब वाटर का है, अब उसमें साल्ट डाला तो क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया -1 में, अब -1 टेम्परेचर चाहिए उसको फ्रीज होने के लिए, लेकिन वहां का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री, इसका मतलब ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्यूशन बना वो मेल्ट हो जाएगा और रास्ते साफ हो गए, तो इसका मतलब याद रखो
जब भी कभी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ऐड करोगे सॉल्वेंट में, तब उसका सॉल्यूशन जब बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम है. वेपर प्रेशर इज, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन इट. तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ये क्लियर करते हैं. व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या आना चाहिए. जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में वेपर्स में, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो लिक्विड का प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट. अब यहां पे आपको उल्टा करना है, बॉइल करके उसका वेपर प्रेशर बढ़ाना नहीं है, उसको सॉलिडिफाई करना है, मॉलिक्यूल्स को अलग अलग नहीं करना, अलग करना था वेपर्स बनाना था आप हीट करते थे, अब वैसा नहीं करना है, और मॉलिक्यूल को पास पास लाना है, और पास पास लाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर, टेम्परेचर डिक्रीजेस वेपर प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर कमी होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जैसे इसका वेपर प्रेशर लिक्विड का और गैस का मतलब एटमोस्फेयर का प्रेशर सेम, अब उल्टा लाना है फिर से मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोज क्लोज आ जाएगी, फ्रीज करना मतलब. अब ये लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का, आइस है सपोज ये वाटर है और ये आइस है, तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और मतलब वाटर का वेपर प्रेशर और आइस का वेपर प्रेशर मतलब सॉलिड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाता है वो टेम्परेचर को बोलना है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर एट विच दिस टू फेजेस, दो कौन से दो फेजेस, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज आर इन इक्विलिब्रियम एंड द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द फेजेस, मतलब सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज आर सेम, जब दोनों फेजेस का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है और दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम फॉर्म, इक्विलिब्रियम फॉर्म मतलब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्शन फिर से सॉलिड में, मतलब इक्विलिब्रियम जब जैसे वेपर्स टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, इस टाइप से यहाँ पे भी, तो सीधे सीधे डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स ओन सॉलिड, मतलब उसी लिक्विड के सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम आता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉलिड आइस सेम, जब सॉलिड आइस का वेपर प्रेशर और वाटर का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर.